खबर सहारनपुर के देववंश से है, जहां एसटीएम के नेतृत्व में जिला कृषि सुरक्षा अधिकारी ने करण जाली रोड के निकट खाद की दुकानों का निरीक्षण किया है। एसटीएम दीपक कुमार ने बताया कि पेस्टिसाइड की सैंपलिंग की जा रही है, इसके बाद जांच की जाती है या नकली तो नहीं है या फिर इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इसकी समय समय पर जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में टीम बनाई गई है। इस टीम ने हाल ही में दुकानों से 4 सैंपल लिए जो लैब को भेजे गए हैं, उसके बाद रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। आज ये विशेष एक अभियान था, ये शासन की तरफ से फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड की रेट पड़ती रहती है, जिसमें हम टीम के रूप में काम करते हैं। तो अभी मैं एज ए प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर और एसडीएम साहब, हम दोनों लोग टीम के रूप में दुकानों का निरीक्षण किए हैं और सैंपल लिए हैं। सैंपल ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ जाएँ वहाँ सैंपल लें, फिलहाल हमारे द्वारा 15 के करीब दुकानों का निरीक्षण किया गया है। और जो है पेस्टिसाइड की जो उनका सैंपलिंग हो रही है, जो दुकानों पर बिक रहा है, ये जांच किया जाता है कि भाई ये नकली तो नहीं है या इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, तो इसकी समय समय पर जांच की जाती है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में टीम बनाई गई है, उसमें हमारे प्लांट प्रोडक्शन ऑफिसर हैं और जो है कृषि रक्षा अधिकारी और हम हैं, और इनकी जांच की है। सैंपल लिए गए, इन्होंने 4 सैंपल आज लिए हैं।